संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल के मैराथन दौरे के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास के जोहार जन आशीर्वाद रथ का पहिया उत्तरी छोटा नागपुर की ओर मुड़ चुका है। ये प्रमंडल बीजेपी के लिए बेहतर संभावनाएं समेटे हुए हैं। सोमवार को हजारीबाग से जब यात्रा की शुरुआत हुई तो इसकी झलक भी मिली और अब सीएम धनबाद पर फोकस करने वाले हैं। आज ब्रह्मस्थान मैदान चिरकुंडा धनबाद में स्वागत और जनसभा के साथ सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी और इसके बाद काफिला कुमार ढोबी धनबाद पहुंचेगा जहां जनता से संवाद होना है। एगरकुंड और निरसा चौक में भी जनता से संवाद कार्यक्रम है। दोपहर में हीरक मोड़ धनबाद में जनता से संवाद करेंगे सीएम। दूधिया मोड़ बालियापुर और शहरपुरा धनबाद में भी स्वागत और जनता से संवाद होगा, जिसके बाद सीएम कांड्रा पहुंचेंगे। चासनाला जेल गोड़ा में भी जनता से संवाद होना है। टैक्सी स्टैंड झरिया के में भी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिसके बाद कतरास मोड़ से रोड शो निकलेगा। शाम में सीएम धनबाद परिसदन में रात्रि विश्राम करेंगे और सीधा रुख करेंगे धनबाद का। सहयोगी अरुण बंडवाल लगातार वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से जानेंगे कि अरुण, वहां पर सीएम का काफिला पहुंचा या कितनी देर में पहुंचने वाला है? देखिए राजन, यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइमिंग है मुख्यमंत्री के पहुंचने का, वो ये निरसा विधानसभा क्षेत्र के जून कुदर ब्रह्मस्थान फुटबॉल मैदान, यहाँ 11:10 में उनकी सभा आयोजित है। लेकिन लगता नहीं है जो 11:10 तक यहाँ मुख्यमंत्री पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी उनका कार्यक्रम हजारीबाग में स्टार्ट ही हुआ है। तो लोग इस बात का मान के चल रहा है कि दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इसे जन आशीर्वाद के तहत लोगों के बीच जुड़ेंगे, लोगों से सीधे जुड़ेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो मैं एक बार अपने सहयोगी से चाहूंगा, जो देखिए अभी यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है सब, और कुर्सियां लगी हुई है, होर्डिंग और बैनर से पटे हुए हैं मैदान, सारे लोग मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे पब्लिक भी जुट रही है इस यहाँ पे भाषण सुनने के, और जो संभावित दावेदारों की सूची में है वो भी अपने समर्थकों के साथ यहाँ धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। तो इस बीच रायदा हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, चंद्रशेखर सिंह जी, उनसे जानते हैं जो और क्या कुछ है, कितनी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और कहाँ कहाँ उनकी चुनावी सभा आज होनी है। चंद्रशेखर जी, कितनी देर में यहाँ पे ये जो पहली जो चुनावी सभा है यहाँ पे मुख्यमंत्री की, कितने बजे तक होने की उम्मीद है? कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी जोहार जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर धनबाद जिले में प्रवेश करने वाले हैं। चिरकुंडा निरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ब्रह्मस्थान फुटबॉल मैदान में हम सबों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति लेकर आया है और सारे लोग पूरी तैयारी के साथ, उत्साह के साथ पर्व मनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के जोहार जन आशीर्वाद यात्रा का यहाँ पर स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। आज जो कहें तो कितनी सभाएं हैं, आज दो दिन के, अगले दो दिन तक रहेंगे मुख्यमंत्री जिले में, आज कहाँ कहाँ सभाएं? आज तीन विधानसभा में, निरसा विधानसभा, यहाँ के बाद सिंदरी विधानसभा के अंतर्गत बलियापुर में, फिर झरिया विधानसभा के अंतर्गत टैक्सी स्टैंड ग्राउंड में, ये तीन जनसभाएँ हैं। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वहाँ तक पहुँचने का पथ है, यानी धनबाद परिसदन तक रात्रि विश्राम जहाँ वे करने वाले हैं, पूरे रास्ते भर में जगह जगह पर स्वागत की तैयारी, हजारों लोग सड़कों पर उनका जगह जगह स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे और उन्हें बधाई देंगे कि जिस प्रकार से आपने झारखंड के उत्थान के लिए, झारखंड की प्रगति के लिए, झारखंड के हर तबके के लोगों के विकास के लिए जिस प्रकार से आपने काम किया, जनता उन्हें आशीर्वाद देगी आज। और यह पुनः हम सभी तैयार हैं कि आदरणीय रघुवर दास जी दोबारा इस प्रांत के मुख्यमंत्री बने और जिस प्रकार से विकास उन्होंने किया है और जो अधूरे कार्य उन्हें करने हैं, उन्हें दूसरा मौका मिले ताकि वह यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप काम कर सकें। निश्चित रूप से देखिए, इस जन आशीर्वाद यात्रा का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इस निरसा विधानसभा में बहुत अधिक, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत कम मार्जिन से मासस ने सीट बीजेपी से ली थी, पुराना लालगढ़ माना जाता है ये, इस बार के चुनाव में क्या कुछ अलग दिखने को मिलेगा, ये लाल से भगवा होगा क्या? ऐसा है
कि आज का कार्यक्रम से आप पत्रकार बंधुओं को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि लालखंड के गढ़ में केसरिया कैसे इस बार फहराएगा। और जो पार्टी का स्लोगन है 65 प्लस का, हम समझते हैं, हमारे जैसा कार्यकर्ता समझता है कि इस बार 65 कमल फूल में एक कमल फूल, पहला कमल फूल निरसा से होगा। इसलिए सांगठनिक दृष्टिकोण से या आम जनता की जो भावना है, पिछले 30 वर्षों से जो निरसा का विनाश हुआ है, निरसा के विकास के लिए जब जब निरसा में चुनाव आता है तब तब केएमसीएल खुलता है, कब कब तब तब उद्योग खुलता है, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो पिछला 4.5 साल में उद्योग बंद करवाने का लालखंडियों ने काम किया है। इसलिए इस बार जनता यहाँ की सारी बातों को समझ गई है कि चुनाव के वक्त बहुत तरह का प्रलोभन मिलेगा। इस बार निरसा की जनता किसी भी जनप्रतिनिधि के झांसे में आने वाली नहीं है, इस बार केसरिया फहरेगा और केसरिया फहरेगा निश्चित रूप से। राजदा, देखिए यहाँ पे अब सांसद भी अपने समर्थकों के साथ, सांसद पीएन सिंह भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं जो मुख्यमंत्री का ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे कोयलांचल में। सांसद महोदय, आज से धनबाद जिले में मुख्यमंत्री का जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो आरंभ हो रहा है, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, इसका पूरा असर पड़ेगा और खासकर जो हमारे हाथ में निरसा विधानसभा नहीं है और वहीं से प्रारंभ हो रहा है। मैं आ रहा हूं धनबाद से, रास्ते में भी देखा कि जगह जगह जनता में उत्साह है, लोग एकत्रीकरण कर रहे हैं, वहां से लोग आ रहे हैं। तो सुबह सुबह यह जो लोगों में भावना है कि हम जन आशीर्वाद योजना नई यात्रा में भाग लें, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। और जो क्रियाकलाप 5 वर्ष के रहे, चाहे विकास के कार्य हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के ने प्रधानमंत्री जी के हर एक योजना को धरती पर उतारा है, चाहे वह धरती पर उतारा है, अब उसी का जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो यहाँ की समस्या थी उसका निराकरण किए, कि यहाँ पर लोगों में एक भावना थी कि झारखंडी कौन, उसका निदान माननीय रघुवर दास ने किया है। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे लोकसभा में छो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी निश्चित रूप से। गणेश जी, पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत 1000 वोट से आपको हार मिली थी मासस के इस लालगढ़ से, तो क्या लग रहा है इस बार का, क्या कुछ समीकरण दिख रहा है? देखिए, हम लोग इस कार्यक्रम को इतिहास के दृष्टि से देख रहे हैं, इससे इतिहास बनने वाला है और इतिहास को प्राप्त करने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। परिणाम इतना शानदार आएगा कि झारखंड इसे याद रखेगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जोहार जन आशीर्वाद यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर के चली है उसमें निरसा विधानसभा और धनबाद जिला पूरे तरीके से अपना मनोयोग के साथ लगा है और हम लोग इस परिणाम को परिश्रम के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। निश्चित रूप से राजदा, देखिए सबके अपने अपने दावे हैं और इसका असर देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से निरसा विधानसभा सीट बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में लूज की थी और इस बार पूरी पार्टी और मुख्यमंत्री ने इसे अपने कहे तो एक तरह से इशू बना लिया है और यहीं से निरसा विधानसभा क्षेत्र से ही अपनी चुनावी जो हार जन आशीर्वाद यात्रा है उसको शुरुआत की है। तो अब देखने वाली बात होगी जो इसे थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो कितना इस यहाँ उपस्थित जनता उन्हें अपने आशीर्वाद देगी और जो निरसा विधानसभा सीट की जो चाह है बीजेपी को वो क्या इस बार चुनाव में उनके पाले में जाएगा, उनकी सीट उनके खाते में जाएगी, ये सब कुछ भविष्य में छुपा हुआ है जी। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत बीजेपी की है उसमें जो जन का आशीर्वाद है वो कितना मिलता है कोयलांचल में। तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे अरुण, तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।